जगह कंप्लीट हो गई है, अभी पत्थर ला रहे हैं। इधर से बाहर से पत्थर लाएंगे, दीवार ये टूटी है। दूसरी ट्राली भी आ चुकी है ब्लॉक्स की, इसके ऊपर सीमेंट भी पड़ा हुआ है। तीन यार क्या गाड़ी, उम्मीद करता हूँ सब खरे होंगे। मेरा नाम एहसान अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सनी ऑफिशियल ब्लॉग। तो अभी बाहर मौसम बना हुआ है, बहुत प्यारा खूबसूरत मौसम बना हुआ है सर्दी वाला। तो अभी मैं शूज़ पहन रहा हूँ, शूज़ पहन के आपको मिलता हूँ, फिर बताता हूँ आज के सीन के, ठीक है। तो ब्लॉग में आपने बने रहना। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं। इधर मेरा लंडा लगा हुआ है, जूते जो कार में पहनता हूँ, ये शूज़ जो बाहर पहन के जाता हूँ, वो भी शूज़ जो बाहर और वो शूज़ जो काम वगैरह के लिए पहनने होते हैं, सारे सारे मेरे कमरे में इधर पड़े हैं। सबसे पहले इनको इधर रख दें, ठीक है। दूसरा शूज़ भी नहीं। अच्छा, अभी का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ स्टाफ पे, तो चाचू लोगों ने घर पर काम शुरू कर दिया, एक किचन और एक वाशरूम बनाना है, उन्होंने आज ही काम शुरू किया। तो अभी मैं चौक पर जा रहा हूँ, चौक पर नहीं अपने स्टाफ पर, उधर थोड़े से काम है, इंशाल्लाह वो भी चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और बाहर दिखाता हूँ कि दादा वो काट रहे हैं और बकरी छोटी जो है वो आ गई है, ये ऊपर से सारी गंजी कर दी और इधर ये छोटी बकरी आ गई। और साथ में आ गया, कहता मैंने भी साथ पे जाना है। हम दुकान पे आए हैं, तो उधर से वदान उठाने, वदान उठा के घर में पत्थर उनको तोड़ना, वदान लेके जाते हैं घर। बेलचे हम उधर दे आए, अभी वापस जाएंगे तो बेलचे तैयार होंगे। उन्होंने हमने दस्ते जो लकड़ियाँ होती हैं वो नए लाए हैं, और बेलचे जो आगे जो होता है बेलचा, वो हमारे पास पुराने पड़े हुए थे, वो हमें फिट करके देंगे। उधर दुकान पर दे आए, तो अभी थोड़ी देर इधर ही होंगे, तो फिर इंशाल्लाह वदान लेते हैं सीधा घर। घर में जो काम होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो ठीक हो गया, बादाम भी ठीक हो गया, अभी चलते हैं घर। A few moments later घर आ गए वापस यार। इधर एक और चीज़ होगी, मैं जिस टाइम गया था मुझे नहीं पता था, लेकिन वापस आया हूँ अभी, वो होगी आपको दिखा रहा है। सुबह चैन लगा हुआ था, ये एक पौधा होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। ये सारा इतना बड़ा होया हुआ था, काट के सारा बाहर फेंक दिए, क्योंकि उधर खुदाई हो रही है, तो इसको काटना ही मजबूरी, काटना ही पड़े, ठीक है। आपको नज़र मतलब आ ही रहा है कितना बड़ा, ये इसकी कड़वी होती है इसलिए वो निखार ही नहीं, तो वो अभी तक शुरू कर देते। बहुत पुराना यार, बचपन का ये पौधे, छोटे छोटे होते थे, इसके ऊपर चढ़ना और मस्ती वगैरह करना, जो क्योंकि हमारे दरमियान में जो होता था घर के दरमियान में, तो बड़ा कभी ऊपर चढ़ जाते थे, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, लेकिन आज ये गया ख़त्म, टाटा भाई। अभी थोड़ा बहुत काम अंदर, सीमेंट सारा अंदर रख दिया है, तो अभी सब चैन को छोटे छोटे हिस्सों में काट रहे हैं, क्योंकि उनको रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ये सारे थे, सबको अलग कर दिए इसके साथ, अभी उन सबको भी ये काटना है।
कुछ उधर जाके काटे या कुछ इधर ही काट के उधर फेंक दिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखे काट दिए ये सब चैन, और ये एक दूसरा है, दूसरा मतलब एक और दरख्त था वो है। ठीक है, क्या बात है, की पता बोतल पे ही जगह कंप्लीट हो गई है। अभी पत्थर ला रहे हैं इधर से, बाहर से पत्थर लाएंगे। दीवार ये टूटी है, इस दीवार को भी रिपेयर करना है उधर तक, और इधर किचन और वॉशरूम बनाना है। भाई ट्राली आ गई उधर, क्या होंगे ब्लॉक आएंगे 800 ब्लॉक है। चाचू ने मंगवाया, अभी चलते हैं बाहर देखते हैं भाई मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल कर दीजिएगा। ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही होगी आपको, ट्रैक्टर आ गया। अभी मुझे कह रहे हैं उसके साथ लाना नहीं है, वो तंग करता है। उसके सोए हुए कंबल भी किए हुए खाना खाने लग गया, मैं अब खाना खाने लगा। पत्थर का काम शुरू कर दिया उधर से, ला दीवार जो टूटी हुई इधर से आसानी है, नहीं तो उधर से घूम के आए। सुकून क्या है तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और टाइम भी। इधर से हमने पूछा हुआ जिनकी पूछे गए, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। जो अभी पत्थर का काम शुरू कर दिया और सब बैठक में खाना खा रहे हैं। अभी मैं भी चलता हूँ, खाना वाना खाते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। आपने खाना है तो आए, सो बिस्मिल्लाह। पत्थर का काम शुरू, दूसरी ट्राली भी आ चुकी है ब्लॉक्स की। इसके ऊपर सीमेंट भी पड़ा हुआ है, तीन तोड़े सीमेंट के, और यही ब्लॉक है। 400 ब्लॉक ही हैं, 400 और आए हैं अभी। उतार दिया अभी मैं खुए से, लोटा भरना है पानी का। ये इसको दादा बुद्ध सारे सेट कर दिए यार, एक हाथ से कैमरा पकड़ू के अभी नीचे ना चला जाए। चलो देखते पानी, चल मैं निकाल के आपसे मिलता हूँ 5 मिनट में। ब्लॉक भी कंप्लीट, रेत क्रश सीमेंट सब कुछ आ गया, सब कुछ अंदर रख दिया, कंप्लीटेड हो गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका था क्योंकि यार इतना काम नहीं था कल करने को जो आपको दिखाऊं, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं। तो उसके बाद मैं वैसे ही बिस्तरे में घुस गया और मतलब इंटरनेट वगैरह यूज़ करता रहूँ। तो अभी सुबह हो गई है, बिल्कुल सुबह सुबह उठूँ, अभी 8 भी नहीं हुए, 7:30 का टाइम हो रहा है और आज बादल बने हुए। कल भी ऐसे ही मौसम था, आज भी ऐसे ही मौसम है। तो कुछ भी नहीं पहना हुआ नीचे, जूते वो ही नाश्ता कर लिए जूते, और कुछ भी नहीं पहना हुआ। एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ, सर्दी लग रही है। तो आज मेरे पास पैकेज ख़त्म आए हुए हैं, मैं वीकली लगवाता हूँ यार, वो 7 दिन के बाद दस्ती ख़त्म हो जाते हैं। तो चलें कोई जुगाड़ लगाते हैं। अभी इधर से लगता भी नहीं है, फतेह जंग जाना पड़ता है या खुंडिया खुंड चौक से लगता है यार, ये बहुत बड़ा मसला है। चले मैं आपको एक दफ़ा व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। ये देखें अभी थोड़ी थोड़ी धुंध है, तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, और जी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो सही हाथ ठंडे हो गए हैं, पाँव भी ठंडे हो गए हैं, और मौसम देख के सारे बादल है। क्या पता सूरज निकले या नहीं, इसका कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है। वाह जी वाह माशाल्लाह। चले अंदर चलते हैं। 2000 years later मैं फजंग आ गई हूँ, मैं चाचू की दुकान पे इधर ही बैठा हूँ। ठीक है, तो घर पे काम ही नहीं था, फजंग आ गए हैं, इधर काम शाम करेंगे और थोड़ा सा इधर घूमेंगे। आज सर्दी है यार बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई। अभी उधर ही अंदर बैठा हूँ चाचू के ऑफिस ऑफिस में। यार क्या गाड़ी,
आप लोगों ने काम देखा कैसा चल रहा है, ठीक है। तो अभी व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो यार दिल करे ना तो ना भी करे, दिल पर हाथ रख के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।